तीन चीजें जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम कॉलेज स्टूडेंट हैं या कॉलेज के अंदर जाने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉलेज के अंदर कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लिए हमें चॉइस भरनी पड़ती है। तो हमेशा अपनी चॉइस भरने से पहले एक साल सीनियर से ये जरूर पूछ ले कि कौन से सब्जेक्ट इजी टू स्कोर है और कौन से सब्जेक्ट के टीचर ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ताकि हमारे पास मैक्सिमम टाइम हो जिसको हम दूसरी चीजों में भी यूटिलाइज कर पाए। दूसरा ये कि कॉलेज के अंदर स्कूल की तरह हमेशा टीचर्स हमें एनकरेज या मोटिवेट नहीं करते क्लासेस को अटेंड करने के लिए, असाइनमेंट्स वगैरह देने के लिए। तो ऐसे में कॉलेज के अंदर हमें खुद को मोटिवेट करना होता है। तो हमें हमेशा पता होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए कि हमारे असाइनमेंट्स का शेड्यूल क्या है, हमारे टेस्ट का शेड्यूल, क्योंकि मैंने कई कॉलेज स्टूडेंट्स को देखा है जो अपने टेस्ट के टाइम पर सो रहे थे और उन्हें पता भी नहीं था आज उनका टेस्ट। और तीसरा ये कि अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो 5 से 6 कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जिनको अगर हम सीख जाएं तो फिर चाहे हमने C++ में सीखे हो, जावा में सीखे हो, सी में सीखे हो, पाइथन में सीखे हो, जावास्क्रिप्ट में सीखे हो, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को समझना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।